मैन दिस इज सुंदरम सिंघाल और आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। महिंद्रा थार रॉक्स व्हाइट कलर में AX7L टॉप मॉडल है भाई आपके सामने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और पूरी कंपनी ने ना चेंज कर दिया। एक बार साइड से प्रोफाइल देख सकते हो आप भाई, पहले आते थे 3 दरवाजे, अब मिल रहे हैं 5। और भाई फीचर्स की बात कर रहा ना, इतने कुछ चेंज हो जाएंगे ना फीचर्स, व्हाइट कलर में क्या जबरदस्त लग रही है ना भाई। और कॉस्ट कटिंग की बात करें ना, बहुत तगड़ी कॉस्ट कटिंग भी करी हुई है कंपनी वालों ने, जो इससे नीचे वाले वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, कॉस्ट कटिंग काफ़ी कर रखी है। और एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये खड़ा है भाई टॉप मॉडल फिलहाल, और इससे जो नीचे वाला मॉडल है ना, उसमें एक तो ये अलॉय व्हील्स नहीं दे रखा भाई पीछे, यहाँ देख लो भाई, इसमें मिला गया आपको 360 डिग्री कैमरा और बहुत सारे फीचर चेंज हो चुके हैं। बट इससे नीचे वाले मॉडल में आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, और भाई टॉप मॉडल में ना वही पुरानी वाली बेसिक सी की मिलती है जैसे पहले आती थी। मतलब थोड़ा बहुत की पे भी जैसे टाटा वगैरह ने कर लिया ना भाई डेवलप, तो इसको भी करना ही चाहिए। और साइड प्रोफाइल देख लो भाई, 19 इंच के वंडर के ऑल टेरेन टायर मिलते हैं MRF के साथ, एंड अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी चेंज हो चुका है, और ट्विन पीक्स का लोगो देख सकते हो आप। और जो इसकी भाई सेकंड रो है ना, वो पूरी 90 डिग्री पर खुल जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई पूरी 90 डिग्री पर खुल जाती है। और हरमन गार्डन के स्पीकर मिलते हैं आपको, और थोड़ी स्पेस मिलती है, विंडो के कंट्रोल मिल जाए, डोर लॉक अनलॉक और ग्रैब हैंडल, और वाइट कलर का इंटीरियर मिलता है वाइट और ब्लैक कलर में। ये पैनारोमिक सनरूफ देख सकते हो आप, तो बड़ी सी ना सनरूफ दे रखी है भाई कंपनी वालों ने, बीच में आर्मरेस्ट दिया हुआ है और 2 ग्लास होल्डर भी दिए हुए हैं, 2 AC वेंट्स मिलते हैं, सी टाइप का सॉकेट मिलता है। और भाई ये ना सीट्स, अभी ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है और इसी में इतनी गंदी होनी शुरू हो चुकी है, देख सकते हो आप कैमरा डिफाइन कर रहा है इस चीज़ को, इसी में इतनी गंदी होनी शुरू हो चुकी है ना मतलब, और आगे आगे तो पता ही नहीं क्या होगा। लोगों ने सालों साल चलानी होती है भाई गाड़ी, महिंद्रा वालों क्या कर रहे हो भाई, ये थोड़ी तो इसको चेंज करो। 360 डिग्री कैमरा देख सकते हो आप, एंड ये एंटीना, और ग्रिल फ्रंट से पूरी चेंज कर दी है। इसके हेडलाइट है ना भाई, ये LED में दे रखे हैं, और रिफ्लेक्टर्स एंड DRL जो इसके उसमें दिए हुए हैं भाई LED में। फ्रंट आपको कैमरा देख सकते हो आप ये, और महिंद्रा की बैजिंग, नई ग्रिल, और भाई ये हुक्स हैं 2, ये हुक खोल के ना आप बोनट खोल सकते हो ऐसे ही, एंड और एडास लेवल 2 भी दिया हुआ है भाई इसमें, आप देख सकते हो रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलते हैं, एंड ऑटोफॉल टर्न इंडिकेटर्स विद ORVM मिलता है इसमें, और 19 इंचेस के अलॉय व्हील देख सकते हो आप, वंडर सीरीज MRF के टायर, और पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है और आगे भी डिस्क ब्रेक मिलती है। साइड से प्रोफाइल की बात करें तो ऐसे को दिखती है इसकी साइड की प्रोफाइल, एंड और भाई पहले ना क्या होता था, चाबी लेके यहाँ से खोलना पड़ता था, अब वो चीज़ हटा दी है भाई महिंद्रा वालों ने, मतलब अपग्रेड। और फीचर्स की बात करें ना, बहुत कुछ अपग्रेड कर दिया महिंद्रा वालों ने। और रियर लाइट्स की बात करें तो बिल्कुल ही LED सेटअप दे रखा है, एंड रिफ्लेक्टर देख सकते हो आप नीचे। और एक और चीज़ में बदलाव कर दिया बहुत बड़ा, वो चीज़ है भाई, पहले क्या होता था, हमारे बहुत सारे दोस्त ना कैंपिंग वगैरह करने जाते थे, तो उसमें क्या होता था भाई, ये शीशा टूटने का डर रहता था, जैसे ये पहले कौन सा बंद करें कौन सा ना बंद करें, और अब महिंद्रा वालों ने वो चीज़ कर ही दी है बंद ये लगवा के। भाई अगर आप ये नीचे भी कर दोगे ना, अब आपका मिरर वगैरह नहीं टूटेगा, ठीक है, और चाहे आप कोई भी, अब चाहे आपका कोई भी अनपढ़ गवार दोस्त भी हो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और वाइपर वगैरह भी दे दिया इसमें पीछे, पहले नहीं आता था, एंड हाई माउंट स्टॉप लैंप देख सकते हो आप ऊपर, और पीछे का कैमरा भाई यहाँ पे मिलता है रिम के बिल्कुल बीच में, रेयर से ऐसी कोई लुक आती है गाड़ी की। पीछे की बात करें ना, 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको नीचे बम्पर पर, और भाई जो रूफ है ना इसकी, एक सिर्फ ये पार्ट है थोड़ा सा इसका फाइबर का, बाकी सारी मेटल की रूफ दे रखी है। एंड पीछे के डोर हैंडल की बात करें तो भाई बॉडी कलर में ही इसका डोर हैंडल मिलता है देख सकते हो आप, एंड फ्रंट वाला जो इसमें मिलता है ब्लैक कलर का मैट फिनिश में, एंड ये 360 डिग्री कैमरा देख सकते हो आप यहाँ से, और ऐसे को दिखती है इसकी साइड की प्रोफाइल। चलते हैं भाई इसकी ड्राइविंग सीट पे, और इसको ड्राइविंग सीट से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा कुछ व्यू आता है। और थार रॉक्स की बैजिंग देख सकते हो आप यहाँ पर, ऐसे को दिखती है थार रॉक्स की बैजिंग, और ये फिर थार की बैजिंग, मतलब थार की बैजिंग ना हर एक जगह दे रखी है भाई, एंड ये है 4x4 की बैजिंग, और ये देखो भाई क्या बना हुआ है, और यहाँ पे भी जीप बनी हुई है, मतलब
क्या कुछ फीचर्स इसमें नहीं है गाड़ी में। ओवरऑल सारी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। एंड चलते हैं भाई इसके अंदर, और अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे को दिखता है भाई इसका इंटीरियर, वाइट और ब्लैक कलर में इसका इंटीरियर देखा। पर भाई इंटीरियर के मामले में ना मतलब सफाई बहुत रखनी पड़ेगी आपको, नहीं तो ये देख सकते आप जैसे ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, इसमें बहुत कुछ हो चुका है, मतलब अभी यूज चल ही रही है भाई, ये गंदा भी होना शुरू हो चुका है। एंड डोर पैनल की बात करें ना भाई, 9 स्पीकर मिलते हैं इसमें, और उसमें 2 ट्विटर और 7 स्पीकर मिलते हैं, हरमन गार्डन के स्पीकर मिलते हैं इसमें। और डोर पैनल ऐसा कुछ दिखता है इसका, ऑटो फोल्ड एंड और भी एम मिलते हैं आपको इसमें, डोर लॉक अनलॉक का बटन, विंडो का कंट्रोल्स, और ये है आपका ट्विटर्स, थोड़ी स्पेस, एंड ये है भाई इसका बड़ा खतरनाक सा बटन। और ये फ्यूल लिड ना भाई इसका यहाँ से खुलता है, पहले भाई चाबी लेके खोलना पड़ता था, अब बेस मॉडल से ही ना इसमें पुश बटन स्टार्ट दे रखा है भाई। एंड ये है इसका एसी वेंट, ग्रैब हैंडल, और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं भाई इसकी। एंड ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 4x4, और स्कॉर्पियो एन वाला स्टेयरिंग दिया हुआ है भाई इसका, प्रॉपर ऐसा कुछ दिखता है इसका स्टेयरिंग। और ये बड़ी सी डिस्प्ले है भाई, चाबी अंदर पड़ी हुई है तो मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता। एंड ये है भाई इसका आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलता है इसमें, और वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 एसी वेंट मिलते हैं, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भाई, मतलब ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल कौन दे रहा है इस प्राइस में। और ऑटो होल्ड का बटन है, एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, PRNDS 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और हैजार्ड बटन, और डिफरेंशियल लॉक, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ी सी डिस्प्ले है भाई, ये पहले कुछ नहीं आता था भाई, पहले छोटी सी आती थी। और ग्लव बॉक्स देख लो भाई, पहले बड़ा छोटा सा ग्लव बॉक्स था, अभी वो बहुत बड़ी कर दिया भाई। एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं भाई ये वाइट कलर में, और सनरूफ की बात करें ना भाई, बहुत बड़ी सनरूफ दे रखी है भाई इस प्राइस में, और इस सेगमेंट में आज तक इतनी बड़ी कोई भी सनरूफ नहीं मिली है। 2 सबवूफर भी मिलते हैं भाई इसमें, और 4 स्पीकर तो आपको डोर पर मिलते ही मिलते हैं। एंड ऐसा कुछ दिखता है इसका स्टेयरिंग, स्टेयरिंग पे कंट्रोल देख सकते हो आप, और भी इनके एंड इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, और ये पार्किंग, हजार्ड बटन एंड वायरलेस चार्जर। चलते हैं भाई गाड़ी के बाहर, और पीछे से मैं आपको रेयर सीट इसकी कैसी दिखती है वो भी दिखा देता हूँ। ये भाई 90 डिग्री पे खुल जाता है, मतलब देखो क्या स्पेस है भाई इसमें, ये पूरा 90 डिग्री पे, इतना मतलब बैठने में इतना कंफर्टेबल है ना। और भाई ये ना रिक्लाइनेड सीट्स है, मतलब स्पेस के मामले में ना बहुत एक चीज़ वो कर दिया भाई महिंद्रा वालों ने, पहले होती थी ना भाई तंगी सीट ऊपर करो ये करो फिर चढ़ना पड़ता था, पर भाई वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। पीछे 2 आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, और चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। मेरी भाई 6 फीट की हाइट है, और स्पेस देख लो भाई, बहुत स्पेस है भाई इसमें, ऐसा कुछ दिखता है इसका पीछे से डैशबोर्ड। एंड सी सॉकेट मिलता है आपको पीछे भी, और भाई यहाँ पे लाइट मिलती है, LED लाइट्स एंड ग्रैब हैंडल्स, और ऐसा कुछ दिखता है इसका इंटीरियर। चलते हैं भाई गाड़ी के बाहर, 4x4 की बैजिंग आपने देख ही ली है, और बूट दिखाता हूँ भाई इसका, बूट कितना बड़ा है ना, मतलब आप देख के हैरान हो जाओगे, बहुत बड़ा बूट दे रखा है भाई। अब पहले होता था कि हाँ भाई सामान कहाँ जाएगा हमारा, पर अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतना सामान रख सकते हो आप, मतलब पूरी फैमिली ट्रिप मार सकती है आपकी इस पे। और 50-60 स्प्लिट का ऑप्शन दे रखा है भाई, ये देखो पीछे हरमन गार्डन का सब बूफर भी मिलता है, और ये स्पीकर मिलता है आपको एक इधर, एंड ये है भाई 12 वाट का सॉकेट। करता हूँ भाई इसको बंद, एंड एक चीज़ ये नवी मैंने आपको बताई दी है भाई। चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में, ऐसे कुछ दिखती है इसकी साइड से प्रोफाइल, और भाई नई, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई नई थार कैसी लग रही है भाई, मेरे को तो पर्सनली, मैंने अभी ड्राइव करके आया हूँ भाई थार, क्या जबरदस्त फीचर है ना इसमें, मतलब ऑपोजिट अपसाइड डाउन हो चुकी है बिल्कुल, 19-20 का फर्क नहीं है भाई, जमीन आसमान का फर्क है भाई इसमें। एंड फ्रंट से ग्रिल देख सकते हो आप, पूरी एग्रेसिव कर दिया गाड़ी,
तो ये था भाई इसका रिव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।